साथियों, आज के वीडियो में कर्मचारियों व शिक्षा जगत की पांच बड़ी खबरें, पूरी व लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। एमपी के 7 लाख कर्मचारियों की बड़ी खबर, ट्रेजरी ऑफिसर के पत्र से हड़कंप, इन कर्मचारियों के लिए खुशखबर, इनके परिजनों को दी जाएगी अनुकंपा नियुक्ति, 2004 के बाद लगे कर्मचारियों के लिए ओपीएस ओल्ड पेंशन को लेकर बड़ी खबर। इस प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले प्रश्न ले लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हुई? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। आप अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखना न भूलें, ऐसे इसका जवाब वीडियो के अंत में दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए खुश खबर, विशेष खबर भोपाल से, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की ड्यूटी लगाई जाती है तो इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की महिला सदस्य को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अब्लिक सहायता के पत्र पर नियुक्ति दी जाएगी। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। कहा है कि वर्तमान में सर्वव्यापी महामारी कोविड-19 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भी कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रही है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कोविड-19 के दौरान कर्तव्य पालन करते हुए दिवंगत होने पर तथा भविष्य में राष्ट्रीय राज्य स्तरीय आपदा घोषित होने पर अगर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है तो इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को महिला सदस्य को निर्धारित अर्हता पूर्ण करती है तो ऐसी स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सीधे नियुक्त किया जाएगा। अगली बड़ी खबर भी भोपाल से ही, अटक सकता है प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों का इंक्रीमेंट, ग्वालियर के ट्रेजरी ऑफिसर के पत्र से हड़कंप, 1000 करोड़ का संकट। विशेष खबर भोपाल से, सरकार प्रदेश के करीब 7 लाख कर्मचारियों का इंक्रीमेंट रोक सकती है। इसका खुलासा IFMS सॉफ्टवेयर के पोर्टल के इंक्रीमेंट ऑप्शन हटाने से हुआ है। 7 वेतनमान का DA पहले ही सरकार ने नहीं दिया है, एरियर्स भी रुका हुआ है। सरकार हर साल जुलाई में सभी नियमित अधिकारी कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ देती है। इंक्रीमेंट के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इस बार इंक्रीमेंट नहीं मिलने के संकेत ग्वालियर के वरिष्ठ जिला कौशलय अधिकारी के पत्र से मिले हैं। उन्होंने जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को सूचना दी है कि IFMS व वर्तमान में विभिन्न आहरण अधिकारियों को वेतन एवं वेतन वृद्धि की सुविधा अपरिहार्य कारणों से उपलब्ध नहीं है। इंक्रीमेंट रोकने की यह है बड़ी वजह। सरकार की वित्तीय स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। केंद्र सरकार ने 2 माह से पैसे की मदद नहीं मिली है। सरकार को 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अलग बजट का प्रबंधन करना पड़ा। सभा में बजट मंजूर नहीं होने से आगे की कार्रवाई प्रभावित हुई है। एरियर्स और DA पहले से रोका है। एरियर्स 500 करोड़ का है, महंगाई भत्ता वो भी 500 करोड़ का, इंक्रीमेंट 1000 करोड़। इस पूरे मामले में वित्त विभाग की चुप्पी साध रखी है। पोर्टल से इंक्रीमेंट ऑप्शन हटाने का कारण जानने के लिए प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल ने कई बार संपर्क किया। उन्हें SMS और WhatsApp पर सूचित किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के सचिव को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर तत्काल मामले में निराकरण करने की मांग की। शुक्रवार को एक और पत्र देकर रिमाइंडर करवाया है। हमें साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है, इसे भी रोका गया तो संगठन अपनी लड़ाई लड़ेगा। ओल्ड पेंशन को लेकर बड़ी खबर, 2004 के बाद लगे कर्मचारियों ने OPS ओल्ड पेंशन के लिए किया नया प्रयास। अपने क्षेत्र को विधायकों को किया अपने फेयर में। सभी कर्मचारी संगठनों ने तय किया कि अपनी ओल्ड पेंशन की समस्या को अपने क्षेत्र के विधायकों के साथ शेयर की जावे व उनके लेटर पेड पर उनकी मांग को CM तक पहुंचाई जाए। इसी कड़ी में आपको एक पत्र दिखाया जा रहा है जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा है। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन की समस्या को विधायक मनोज चावला के लेटर पेड पर लिखा गया है जो कि CM तक पहुँचाया जाएगा। प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विषय मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 2005 से बंद पुरानी पेंशन व अनुकंपा नियुक्ति चालू कराने विषयक। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि समस्त कर्मचारियों द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह अवगत कराया गया कि वर्तमान में लागू NPS स्कीम के तहत कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होती है और 10% शासन द्वारा संबंधित कर्मचारी के NPS अकाउंट में डाले जाते हैं और सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को मात्र 1000 से 1200 रुपये मात्र पेंशन भुगतान होती है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी गुजर होना संभव नहीं है। अतः साधारण आग्रह है कि कर्मचारियों के भविष्य की चिंता को दृष्टिगत रखते हुए 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन तथा अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिए जाने हेतु तथा योग्य आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। यह है भवदी मनोज चावला, विधायक आलोट। आखिरी और बड़ी खबर जो कि नवीन शिक्षक संवर्ग से है, उससे जिलों में बहुत से ब्लॉकों में 6वें वेतनमान की पहली व दूसरी किस्त का भुगतान भी नहीं हुआ है।
एम्प्लॉयड कोड नहीं होने से छठे वेतनमान की पहली व दूसरी किस्त के क्रमशः 15,000 से 25,000 रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। पूर्व में भी अध्यापकों की तरफ से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत हुई थी। मामला भोपाल तक पहुंचा, पर जिला अधिकारियों ने अध्यापकों को शिकायत वापस लेने पर मजबूर किया। इसके बाद भी एम्प्लॉयड कोड जारी नहीं किया गया। अध्यापकों का कहना है कि एम्प्लॉयड कोड जनरेट नहीं होता है तो सातवें वेतनमान का लाभ भी उन्हें नहीं मिलेगा। अब उस प्रश्न का जवाब देख लेते हैं जो कि वीडियो की शुरुआत में पूछा गया था। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित हुई? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ एक नए प्रश्न के साथ। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।